तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ ईशु दीदी को छोड़ने उनके ऑफिस। और भाई आप सबको हैप्पी लोहड़ी। और बाकी भाई रात को बहुत बारिश हुई थी और भाई सामने देखो बादल। और भाई आपको पता है कि यूवी तो हमने बेच दी है और अब हमारा प्लान है कि हम अल्टो ले ले लोकल चलने के लिए। के यूवी तो ना सॉरी क्रेटा तो हमने नहीं ले लिया है, बट हम सोच रहे हैं कहीं से सेकंड हैंड अगर अल्टो मिलती है तो अल्टो ले लेते हैं, एवरेज भी अच्छी है और लोकल चलने के लिए भी अच्छी है। और बाकी भाई ये रही अपनी बीस्ट, ये तो खुद ही ओपन हो जाएगी, देखो खुद ही ओपन हो जाते हैं इसके डोर। और अब चलते हैं भाई ईशुद्धि को छोड़ने। और भाई ये है अपनी बीस्ट। और वो रहे दीदी, तो हमने कार वॉश भी करवानी आज अपनी, और पहले तो हम दीदी को छोड़ेंगे जाके। तो भाई दीदी को यहाँ पे छोड़ दिया है। जीजू आप आगे बैठ जाना, जीजू आगे बैठ जाओ। कहाँ पे वो एडवोकेट? हमने उधर जाना है मंगलासूत्र। नहीं पहले कार वॉश करवानी है। तो भाई अब पहले थोड़ा बहुत काम है यहाँ पे। कहाँ पे है वो एडवोकेट? तो काम करवाते हैं उसके बाद चलते हैं, फिर कार वॉश भी करवानी है। तो भाई एक सेकंड हैंडल तो दिखी है, तो अब हम अभी वो देखने जा रहे हैं। तो अभी प्लान तो नहीं है लेने का, बट हम ऐसे ही ढूंढ रहे हैं कि अगर अच्छे रेट में मिल जाएंगी तो ले ही लेंगे। तो भाई व्यू देखो यहाँ से आप, ये देखो भाई, और ये वाला रास्ता जाता है ना खजियार को, तो भाई यही रास्ता जो खजियार को जाता है। और सामने भाई बोर्ड पढ़ लेना, आगे सड़क तंग है, कृपया ध्यान से चलें, ठीक है? तो ये देखो भाई। और भाई यहाँ से ना जल्दी निकलना, क्योंकि भाई यहाँ से एक बार स्लाइडिंग हुई थी, कटिंग चली थी, रोड खुली हो रही थी, तो यहाँ पे एक बंदा मतलब मौत हो गई थी बंदी, और वो सामने मंदिर बना उसका, समझ रहे हो ना भाई? यहाँ पे भाई ध्यान से ही आओ। और भाई ये वाला रोड पूरा साच पास की तरह लगता है ना जीजू, लगता है ना ये साच पास की तरह बिल्कुल। और सामने भाई वो देखो, सामने बर्फ पड़ गई है। और भाई ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है चंबा, और सामने देखो ये माउंटेन, वाह यार अमेजिंग भाई। चलो चलो आगे चलो थोड़ा सा, अमेजिंग भाई यार कुछ हर कुछ। नीचे जाने दो, हाँ नीचे जाने दो, जब तक मैं मना नहीं करता। और भाई ये देखो ये पूरा चंबा है, और सामने देख रहे हो ये डीसी का रेजिडेंस है, और सामने ये चंबा का चौगान है, और ये पूरा चंबा है, और ये कॉलेज है चंबा का। और सामने देखो भाई ये झुमार है, तो यहाँ पे देखो कितनी स्नो पड़ गई है। और ये देखो भाई अमेजिंग व्यू। और भाई ये वो गाड़ी बिल्कुल ओके ही है यार, वैसे तो बस यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच है, और ये भी थोड़ा सा, बाकी तो भाई गाड़ी बिल्कुल ओके है। देखता हूँ आपको, ठीक है गाड़ी तो मतलब 30,000 चली हुई है, तो ठीक कंडीशन है, बस पिछला बम्पर थोड़ा सा गया हुआ है, और बाकी भाई इतना सा तो चलता ही है। अब गाड़ी लेनी है तो अब देखो भाई यहाँ से व्यू, वो देखो नीचे, वो देखो भाई, रुको रुको रुको, वो देखो इसको क्या बोलते हैं, लंगूर बोलते हैं, ये देखो लंगूर भाई सामने, ये देखो। और सामने भाई व्यू देखो, ये भी व्यू का नज़ारा ले रहे हैं, और ये पूरा सुल्तानपुर है, और वो सामने रहा बालू, और ये रहा पूरा चंबा, ये देखो भाई। चलो और भाई सामने बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये जो भाई फोग बड़ी है ये कितनी शानदार दिख रही है, और पीछे भाई बादल जो है, बादल नहीं सॉरी पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढक गए हैं। तो भाई घर जा रहे थे, सुबह से प्लानिंग बनाई हुई थी इन्होंने घर जाने की, और अब देखो उधर से फोन आया कि बारिश लग पड़ी है, जाओ मत। और पहले और भाई ठंड बहुत है, तो मैं प्रांति, जीजू और ईशु दीदी मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने लोहड़ी की। और उसके बाद सीन कुछ ऐसा है कि हमने पहले काम करवाना है गाड़ी वाला, रिटेन हो गया नंबर, अब जो पुरानी गाड़ी का नंबर था वो नई गाड़ी को मिल जाएगा। बोला था गाड़ी लाने के लिए, तब तो लेके नहीं आए गाड़ी, हैं लगी ठंड अब। ना ना अब जाना बारिश में, फिर आना कभी बारिश में यार, मैंने बोला था पापा वापस दी नहीं गाड़ी, तो अब यहाँ पे काम करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं। खाना भी लाना है कुछ फिलहाल, जो काम करना है वो करें। चलो ठीक है, जब मैंने आरटीओ ऑफिस जाना तब ले आऊँ गाड़ी। हाँ। एक स्कूटी छोड़ के
फिर गाड़ी ले आएंगे। हाँ फिर एक बंदा स्कूटी में आ जाएगा, तीन बंदे कम से कम सेफ तो रहेंगे ना। ये भी कोर्ट आ गया है काम करवाने, थोड़ा बहुत बचा था वो काम करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो जीजू तो भाई फाइनली हम घर पहुंच के गाड़ी लेने आ गए थे भाई स्कूटी में। भाई आ देखो बिल्कुल लाल हो गए ठंड के मारे और आई बिल्कुल भीग गए हैं। तो अब मैं ये लेने आया हूँ गाड़ी, तो अब चलते हैं भाई। पहले आरटीओ ऑफिस जाना था हमने, एसडीएम आरटीओ ऑफिस है आरटीओ। हाँ फिर उसके बाद जाना है। उतनी ही खराब क्या क्या चीज है एप्लीकेशन दी से इतनी ही खराब ना ना स्पीड मोनिंग ये सकलंदी है भी से रहा है कन्हे दरवाजे दूर जो होगा डेढ़ लाख का ऊपर। तो भाई क्या बोलते हो क्या खिला रहे हो आज ऊपर देखो जीजू ये सिंगाड़े खोल सारे भीग जाओगे। खोल दे भाई अब। कहाँ जा रहे हो बोलो? सुल्तानपुर जा रहे हो खिलाने पिलाने? इधर ग्रिलिन सुल्तानपुर। सुल्तानपुर तो भाई सुल्तानपुर जाएंगे खाने पीने, तो भी जो जो सामान लेना वो ले लेते हैं, मार्केट आए हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर वापस। ये देखो सामने क्या सामान लेना। स्नो कब की बताई है? 10 बजे के बाद। तो भाई आज रात को 10 बजे के बाद स्नो भी बताई हुई है कि शायद स्नो भी गिर जाएगी चंबा में। तो अभी चलते हैं, क्या पता मैं सुबह आपको सीधे सफेद सफेद क्या पहाड़ सफेद पहाड़ ही दिखा काली गप्पी दिखा दूँ। तो चलो अब चलते हैं।